जी राजीव ने क्राम मोहम्मद अली आवान कैंडिडेट कैंटोनमेंट बोर्ड एबटाबाद वार्ड नंबर 10, उनके एक दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब आलम खान साहब। उनसे जानते हैं कि मोहम्मद अली आवान कैसे शख्स हैं और वो उनके जो वोटर्स हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी आफ्ताब साहब। जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अली आवान साहब और मेरा ताल्लुक तकरीबन 40 साल के करीब है, बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो इनके बारे में इतना कहूँगा कि नहायत कमिटेड आदमी हैं, डिवोटेड आदमी हैं, ऑनेस्ट आदमी हैं और जिस काम को करते हैं फिर उसको बड़ी खूबी से पाए तकमील तक पहुँचाते हैं। तो जब इन्होंने मुझसे ज़िक्र किया कि वो इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं तो मुझे बड़ा मैं हैरान हुआ और मैंने इनसे कहा कि ऐसा ना करें, लेकिन इन्होंने फिर उसके बाद बताया कि इनके इलेक्शन में आने के पीछे वजह क्या है। हमेशा से सोशल वर्क में ये रहे हैं और अपने इलाके के लिए अपने लोगों के लिए हमेशा से कुछ करने का जज्बा रखते हैं, तो इन्होंने मुझे कन्विंस किया कि ऐसा करना ठीक है। उसके बाद मेरी इनसे 2-3 मुलाकातें हुई और मुझे लगा कि ये वाकई सीरियस है। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि इस इलाके की खुशकिस्मती है कि मोहम्मद अली अवान जैसे पढ़े लिखे लोगों ने इस बात का फ़ैसला किया है कि वो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बने, और मुझे यकीन है कि अगर अली अवान साहब जीतते हैं और लोग ऐसे पढ़े लिखे लोगों को सपोर्ट करते हैं तो इंशाल्लाह इस इलाके के कामों को होने में बड़ी आसानी होगी और लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया आफ्ताब आलम खान। थैंक यू जी।